नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। कानपुर जिलाधिकारी डॉक्टर राम तिवारी व DIGSSP श्री अनंत देव ने जनपद कानपुर नगर के हॉटस्पॉट क्षेत्रों तथा लॉकडाउन क्षेत्रों तथा सब्जी मंडियों का भ्रमण किया। जिलाधिकारी ने बचलिया, चमनगनज, बेकनगनज, सीसामू, अनवरगनज आदि अन्य क्षेत्रों का भ्रमण किया। उन्होंने होम डिलीवरी के माध्यम से हो रहे आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के विषय में इलाकाई सब्जी बेचने वाले से भी रुककर बात की। जिलाधिकारी ने फुटकर सब्जी बेच रहे व्यक्ति से पूछा कि सब्जी कहाँ से लाते हो। इस पर उसने बताया कि रात्रि 7 बजे मंडी जाता हूँ, 1 बजे वहाँ से सब्जी आता हूँ। जिलाधिकारी ने उस सब्जी वाले से परवल का भाव पूछा तो उसने बताया कि 40 रुपए किलो है। उन्होंने पूछा सब सब्जी बिक जाती है, उसने बताया सब बिक जाती है। जिलाधिकारी ने उससे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर एक निश्चित दूरी पर रहते हुए ही आपको यह होम डिलीवरी कराने की सुविधा गली मोहल्ले में दी गई है, इसका पालन पूर्ण रूप से करना है, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। तत्पश्चात जिलाधिकारी चकरपुर मंडी पहुंचे। वहां उन्होंने सब्जी विक्रेताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन कराते हुए कि आप सभी लोगों को सब्जी फल की बिक्री करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग कराते हुए बिक्री करनी है। आप लोग एक निश्चित दूरी पर दुकान के आगे पुनः गोले बना ले और अन्य व्यक्ति जो भी अपने वाहनों से आए वे भी निश्चित दूरी पर रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग को पूर्ण रूप से पालन करना है और आप लोगों को भी कराना है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। लगातार CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विक्रेताओं से कहा कि यह मंडी बड़ी मंडी के रूप में है, यहाँ पर क्रेता विक्रेता बड़े पैमाने पर एकत्रित होते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सभी को इस कार्य में सहयोग देना है। इसके लिए CCTV कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है और प्रशासन की नजर में शहर की सभी मंडियां है। वाजिद खान की रिपोर्ट। लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में और जरूरी चीजें बिक्री के बिना जैसे फल और सब्जी एक बड़ी चुनौती रही है, और लेकिन हमारे अधिकारियों ने पुलिस ने इसमें काफी प्रयास किया और लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम CCTV कैमरे और इस सबके माध्यम से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और बहुत ही स्ट्रिक्टली इन जगहों पर की सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा कराते हुए जरूरी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित कराना। शासन की मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के थोड़ा चिंतित है और उस क्रम में सभी जिलाधिकारियों और SSP के विजिट करने के निर्देश भी दिए गए। रात को भी हमारी पूरी प्रशासन की टीम यहाँ रही है। अर्ली मॉर्निंग में हम लोग जो है मैं और SSP साहब पूरा मंडियों के भ्रमण पर भी कई जगह जो छोटी मंडियाँ लगती हैं बड़ी मंडी उनके भ्रमण पर हैं। काफ़ी देर से हम लोग चकरपुर मंडी में बहुत सारी दुकानों को देखा गया है। रात से जो थोड़ी बहुत समस्या थी जिसकी कहीं कहीं आती थी उसको काफ़ी कड़ाई से उसको सुनिश्चित कराया गया है और इसकी सघन मॉनिटरिंग की जा रही है राउंड द क्लॉक। और मंडी के जो हमारे कर्मचारी हमको गाड़ी भी दिया जा रहा है कि जिससे वो पहचान में आ सकें और पुलिस की तरह ही जो है अतिरिक्त बल के रिकॉर्ड कर सकें।